अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम बनाएंगे बेसन और प्याज के बहुत ही टेस्टी पराठे। ये बहुत यम्मी बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसे कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप आटा और 4 कप बेसन, जिसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। बेसन ज़्यादा लेना है और आटा हमें कम लेना है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच नमक, और ये मैंने यहाँ पर प्याज ले ली है जिसको मैंने बारीक से चॉप कर लिया है, और 2-3 हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली थी वो ऐड कर दी है। प्याज मैंने 2 गट्ठी ऐड करी है, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने चॉप करके डाल दिया है, 2 चम्मच ज़ीरा ऐड कर दिया है, और 2 बड़ी चम्मच यहाँ पर तेल ऐड कर देंगे। तो इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और हमें एक अच्छा सा डो बना करके तैयार कर लेना है। तो जो बेसन का डो है वो हमें सेमी सॉफ्ट रखना है, ना बहुत ज़्यादा हमें टाइट रखना है और ना बहुत ज़्यादा ढीला रखना है, क्योंकि अगर हम इसको लूज़ कर देंगे, मतलब इसको पतला कर देंगे, तो फिर इसमें प्याज ही पड़ी है, प्याज का पानी छूटेगा और ये डो जो है वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो है इसका डो जो है वो सेमी सॉफ्ट तैयार करना है। इस तरह से हमें अच्छी तरह से इसे नीट करना है। जब अच्छी तरह से हम इस तरह से नीट करेंगे तब ये अच्छी तरह से मुलायम हो जाएगा और ये एकदम चिकना सा डो बन करके तैयार हो जाएगा। तो जब तक हम इसे गूंधेंगे, जब तक ये चिकना ना हो जाए, अगर ये हाथों पर ज़्यादा चिपकने लगे तो फिर इसमें थोड़ा सा तेल लेकर के इस तरह से हम मिला लेंगे। तेल लगा करके इसे चिकना कर लेंगे और ये हमारा डो बन करके तैयार हो गया है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारा डो जो है वो बिल्कुल बढ़िया से सेट हो गया है। 10 से 15 मिनट लगे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको सेट होने में। अब इसके हम पेड़े काट लेते हैं। तो इस तरह से हमें पेड़े बनाना है। पेड़े जो है वो हमें पराठे के साइज़ का लेना है। तो रोटी का जो पेड़ा हम लेते हैं वो थोड़ा छोटा लेते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा बड़ा इसमें पेड़ा काट लेना है। तो इस तरीके से हम पेड़े बना लेंगे। तो चलिए अब इसे बेल लेते हैं। तो जितने पराठे बनाना हो आप बना सकते हैं, और बाकी का जो आटा बच जाए आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम उंगलियों की मदद से इसे बढ़ा लेंगे और सूखा आटा लगा करके हम इसे बेल लेंगे। बहुत ही मज़े के लगते हैं ये पराठे। इसे आप नाश्ते में बनाकर खा सकते हैं या फिर लंच में भी बना सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी भी होते हैं और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो इसमें मैंने लगा लिया है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल लगाने के बाद इस तरह से हम इसे रोल कर देंगे। इससे हमारे पराठे जो हैं वो परतदार बनेंगे और क्रिस्पी भी हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें इसे बढ़ा लेना है और इस तरह से हम इसको रोल कर देंगे। तो ये देखिए हमारा परत वाला पराठा बन करके इस तरीके से तैयार कर लेंगे हम। अब इसमें सूखा आटा लगाएंगे और फिर से इसे हम रोल कर देंगे। तो अब हम इसे ज़्यादा रोल नहीं करेंगे, बस हमें थोड़ा सा इसे थिक रखना है, रोटी की तरह पतला नहीं करना है। तो हल्के हाथों से इसे हम बेल लेंगे इस तरीके से। बहुत ज़्यादा मैंने पतला नहीं किया है, ये हल्का सा मोटा रहता है। तवा गैस पे मैंने रख दिया था, तवा अच्छे से गर्म हो गया है। जब एक साइड से ये अच्छे से सिक जाएगा तब हम ऊपर से थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे और इसे पलट देंगे। दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से हमें इसे सेकना है, ऊपर से थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे और अच्छे से धीमी धीमी आंच पर इसे हम सेक लेंगे। धीमी आंच पे इसे हमें सेकना है, गैस की फ्लेम जो है वो हाई नहीं करना है। धीमी धीमी आंच पर अच्छी तरह से इसे सेक लेंगे, पलट करके दूसरी साइड से भी इसे सेक लेंगे।
और ये हमारा बेसन और प्याज का पराठा बनकर के तैयार हो गया है। तो देखा आपने कितनी जल्दी ये पराठे बनकर के तैयार हो जाते हैं। इसे हरी चटनी के साथ सर्व करें और दही और प्याज के रायते के साथ सर्व करें, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, इससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।